हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अर्पिता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सोशल बज। जी हां, नाम से ही जाहिर है, जहां पे हम लाए हैं आपके लिए सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर 5 साल का विकास बनाम एक मासूम सवाल, लोकतंत्र में जवाबदेही का एक लम्हा, मुख्यमंत्री राजे का हुआ सच से सामना। बैरिकेड के पीछे खड़ी ग्रामीण महिला का सीएम से सीधा सवाल कि महारा पड़ेरा टाबर घर बैठिया है, थाने किया वोट दिया। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से एक आम जनता ने सवाल पूछा है कि हमारे बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो आपको वोट कैसे दें। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजस्थान से और इस खबर पर वसुंधरा राजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सच से सामना हुआ है। बैरिकेड के पीछे खड़ी ग्रामीण महिला का सीधा सीधा सवाल वसुंधरा राजे से कि हमारे बच्चे तो घर पर बेरोजगार बैठे हैं, फिर हम आपको वोट कैसे दें। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि क्या कहा था उस ग्रामीण महिला ने राजस्थान में। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता न्यूज रूम से लाइव। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। जी प्रवीण जी, जी इस बेरोजगारी वाली जग, इस बेरोजगारी की जो चल रही है, घटनाएं चल रही है, आए दिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 4 युवाओं ने आत्महत्या करी थी बेरोजगारी से, और आज ये वसुंधरा राजे से सीधा सीधा सवाल किया है एक आम जनता ने। बिल्कुल अर्पिता, आज सबसे पहले सुबह सवेरे न्यूज इंडिया 24/7 ने इस खबर को दर्शकों के सामने रखा और उसके बाद अन्य टीवी चैनल्स ने भी हमें फॉलो किया, इस खबर को उठाया। सवाल यह है कि आज ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों? लगातार 4.5 साल से कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन न्यूज़ इंडिया 24/7 कांग्रेस की पैरोकार नहीं है कि हम उनके लगाए आरोपों को साबित करें या गलत साबित करें। आज चूंकि एक आम जनता की तरफ से आवाज़ आई है, तो इस जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका फर्ज बनता है कि वो जनता के सामने, मतदाताओं के सामने हकीकत बयान करें। मैं आपको कुछ इसके पीछे की हकीकत बताता हूं। मई 2014 में सत्तासीन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास का कार्यक्रम सबसे आगे रखा। इसके पीछे सबसे पहले तो ये था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। जब बाद में इससे रोजगार जनरेट नहीं हो पाए, तो सरकार का कहना था हम लोगों को एम्प्लॉयबल यानी रोजगार योग्य बनाएंगे, और इसी बात को राजस्थान की सरकार ने भी लगातार कहा। अब मैं आपके सामने खुलासा करूंगा एक रिपोर्ट का, जो कि 6 सितंबर 2018 यानी इसी साल राजस्थान की विधानसभा में रखी गई, और ये रिपोर्ट किसी निजी व्यक्ति की नहीं बल्कि कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया गया है, दर्शकों को आसानी से समझ में आए इसलिए बताता हूँ कि एक राजस्थान में कॉरपोरेशन है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जिसे कहते हैं RSLDC। यहाँ पर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं मोटे तौर पे। एक तो नियमित कौशल व रोजगार परक कौशल, दूसरा उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। इसमें 70% की अनिवार्यता कर रखी है, इसलिए सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए। लेकिन इन प्रशिक्षणों में देखें तो जो श्रेणियां हैं जिनमें प्रशिक्षण दिए जाते हैं,
उनमें निर्माण, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटो मैकेनिक जैसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर 73.67% का जो प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा किया गया, ऐसा सरकार ने कहा। जब जांच की गई तो सबसे पहले तो ये पता लगा कि इसकी जांच का मैकेनिज्म ही नहीं है। उसके बाद जब टेलीफोन से लोगों से पूछा गया तो शुरू का जो आंकड़ा था वो था 1,27,817 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद में जब प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं ने बात की गई तो ये आंकड़ा घटकर 42,758 रह गया। फिर फोन से कंफर्मेशन किया गया इन लोगों का तो पता लगा ये 42,000 नहीं, सिर्फ 26,444 ही लोग हैं जिनको रोजगार मिला। लेकिन जब मौके पर सत्यापन किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ 9,904 नौजवानों को रोजगार मिला था। कहां 1,27,000, कहां 9,904। तो वाकई बैरिकेड के पीछे खड़ी इस ग्रामीण शायद अनपढ़ महिला ने जो बात रखी है वो प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है। और आज की तारीख में शायद, और मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छे लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, इस विधानसभा चुनाव का अब से एजेंडा रोजगार होना चाहिए। अर्पिता, स्तंभ कहा जाता है, ऐसे में जो मीडिया में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे और ये अयोध्या राम मंदिर के दर्ज मतलब चल रहे हैं वादे, लेकिन इस बीच हमारे न्यूज इंडिया ने ये एक आम जनता के सवाल को उठाया है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, एक मंदिर और बढ़ जाएगा उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क आने वाला मुझे नहीं लगता। हालांकि मंदिर, मस्जिद, गिरजे ये सब आस्था के विषय हैं। आज सुबह मैं अपने घर से घर के अंदर पूजा करके निकला हूँ या नमाज अदा करके निकला हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज मैं जब बाहर निकला तो मैंने क्या किया। इसी तरह हर नौजवान जो रोज सुबह उम्मीद के साथ घर से निकलता है रोजगार की, क्या उसकी रोजगार की उम्मीद पूरी हो रही है? वो मरीज जो सरकारी अस्पताल में इलाज या दवाओं के लिए निकलता है, क्या उसे वो इलाज और दवा उपलब्ध है? वो महिला जो अपने घर से मटका चरी लेकर निकलती है, पानी भरने निकलती है, क्या उसे वो साफ पानी उपलब्ध है? वो व्यक्ति जो अपने मेहनत की कमाई से खरीदे हुए वाहन को लेकर सड़क पर निकलता है, क्या उसे साफ सुथरी सड़क उपलब्ध है? कुल मिला के रोजगार, शिक्षा, दवा, सड़क, पानी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद पर। अर्पिता जी, प्रवीण जी, तो ये तो रही भाजपा की बात, जहां वसुंधरा राजे ने इस खबर को, इस मुद्दे को सीधा सीधा जवाबदेही नहीं माना है, लेकिन मैं अर्पिता यहां आपको टोकना चाहूंगा, इसमें हो सकता है वसुंधरा राजे का कोई दोष ना हो, क्योंकि देखिए वो बैरिकेड और वसुंधरा राजे और महिला के बीच दूरी है जी। जहां से शूट किया गया है वो महिला के नजदीक है, तो हो सकता है जो आवाज मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हुई है वो असल में मुख्यमंत्री तक पहुंची ही ना हो। और फिर ठेठ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, हो सकता है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को वो बात राजस्थानी में समझ ना आई हो, इसलिए जब तक के उनकी प्रतिक्रिया ना आए उनका दोष या निर्दोष होना दोनों ही बेमानी बात है करना। अर्पिता जी, प्रवीण जी, तो इसी खबर पर अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट आया था कि है ना, काम करने से वोट मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते जल्दबाजी से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। और इसी बात पे आपने अविनाश पांडे जी से भी बात करी थी, तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी इस बात पर? देखिए अशोक गहलोत तो चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो वो तो मौके की तलाश में थे, वो लगातार जगह जगह जाके भाषण कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें लगातार वसुंधरा सरकार को घेर ही रहे हैं, बेरोजगारी का आरोप वो लगातार लगा ही रहे हैं। ऐसे में न्यूज इंडिया की खबर आने के बाद वो अगर इसको एंडोर्स नहीं करते तो मेरे ख्याल से उनके विपक्ष के नेता, एक अच्छे नेता होने पर ही सवाल लग जाता। इसलिए मैं अशोक गहलोत की टिप्पणी पर तो कोई अपनी राय व्यक्त नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारे इस खबर को उठाने के बाद में राजस्थान के रीजनल मीडिया ने इस खबर को उठाया है और जिम्मेदारी के साथ ये एक बार फिर साबित किया है कि राजस्थान का रीजनल मीडिया स्थानीय मुद्दों को महत्व देता है, ना कि अयोध्या जैसे मुद्दों को जो कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उछाले जाते हैं। अर्पिता जी, धन्यवाद प्रवीण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्म संसद आयोजित हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां प्रस्तावित राम मूर्ति की तस्वीर जारी कर दी है,
श्री राम की यह मूर्ति 151 मीटर ऊंची है, जो अयोध्या में बनाई जानी है। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बैठक ली। बैठक में अयोध्या में बनने वाली भगवान श्री रामचंद्र की भव्य मूर्ति के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बकायदा मूर्ति का मॉडल भी पेश किया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई 151 मीटर है, जबकि उसके ऊपर 20 मीटर ऊंचा छत्र और 50 मीटर का आधार होगा, यानी मूर्ति की कुल ऊंचाई 221 मीटर होगी। मूर्ति के पेडेस्टल के अंदर ही भव्य म्यूजियम भी होगा, जिसमें अयोध्या का इतिहास, राम जन्मभूमि का इतिहास, भगवान विष्णु के सभी अवतारों की जानकारी भी होगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मूर्ति के साथ पार्क का पूरा मॉडल भी देखा। प्रस्तावित मॉडल के तहत अयोध्या में राम मूर्ति के साथ विश्राम घर, रामलीला मैदान, राम कुटिया भी बनाई जाएगी। इसके अलावा बैठक में गुरुकुल सरयू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सरयू रिवर फ्रंट लुकआउट और सरयू नदी घाट के संबंध में भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 साल 5 दिन के बाद फिर अलवर आएंगे। पीएम मोदी 5 साल पहले 19 नवंबर 2013 को अलवर में चुनावी सभा करने आए थे। इस 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 14 नवंबर 2015 को ऐप गुरु इमरान की तारीफ करते हुए लंदन में कहा था कि मेरा भारत इमरान में बसता है, कहकर अलवर को याद किया था। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज भी करेंगे। शहर के विजयनगर मैदान में मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर राजस्थान में बीजेपी के प्रचार की शुरुआत भी करेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अलवर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कई नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले नवंबर 2013 में अलवर पहुंचे थे, उसके 5 साल बाद आज अलवर में वापस वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये आगामी 2019 का चुनावी की तैयारी है या फिर वो अपने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक परनामी ने भैरव जी के मंदिर से पूजा आरती करने के बाद डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने अशोक परनामी का गर्मजोशी से स्वागत कर चुनाव में जीत दर्ज करने की भी शुभकामनाएं दी। राजस्थान विधानसभा शेरगढ़ क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बाबू सिंह राठौर ने खिरजा फतेह सिंह और नथासर में जनसंपर्क किया। इस दौरान राठौर को बुजुर्गों ने जीत का आशीर्वाद भी दिया। वर्तमान सरकार को लेकर लोगों और किसानों के अंदर आक्रोश भी है। सरकार ने काम नहीं बस बातें की है।